हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जे आर एफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। सो क्या हाल चाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, जब से आंसर की जारी हुई है, सबके मन में एक ही सवाल है कि सर आंसर की को कैसे चैलेंज करें, क्या आंसर को हम चैलेंज कर सकते हैं, क्या उसका प्रोसीजर है। तो आज का जो सेशन होने वाला है, उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास में है, जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है गाइस, उसको हम डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल पाए। तो देखो, जीजीटीयू बांसवाड़ा है, उन्होंने अभी ज्यादा कुछ इस पे बात नहीं की है, लेकिन एक नोटिस है जो उन्होंने जारी किया है, मैं उस नोटिस को आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। रिगार्डिंग द आंसर की चैलेंज और जो आपत्ति वाले जो क्वेश्चंस हैं, उस पे आपत्ति हमें कैसे लगानी होगी। तो शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले तो गाइज, ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, और नेट जी आर एफ विद शिव मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहां पे आप जुड़ सकते हो। इस यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे पीडीएफ क्लासेस के लिंक्स, ये सब आपको मिल जाएंगे। प्लस गाइस, अभी हम नेट के लिए नया बैच लॉन्च करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं सेशन को। देखिए, ये जो नोटिस है दोस्तों, ये 23 जनवरी 2023 को ये जीजीटू बांसवाड़ा के द्वारा जारी किया गया था। एक जिज्ञासा समाधान पत्रक जारी किया गया था, जो साइट पर अपलोड भी है, अभी भी आप जाके देख सकते हैं इसको। सेट परीक्षा 2023 का, ये 23 जनवरी 2023 को किया था। इसमें दोस्तों उन्होंने साफ साफ लिखा है आंसर की चैलेंज को लेकर, जो इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आंसर की चैलेंज कैसे करना है, यहाँ पे आप देखेंगे तो उन्होंने 14 और 15 ये पॉइंट में आपको दिया गया है कि क्या सेट आंसर सीट की पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान है। तो इसमें ऐसा है कि ना तो आप आंसर शीट को रीचेक करा सकते, ना ही रिजल्ट का रिवेल्युएशन करा सकते। लेकिन यहाँ पे 15वां जो पॉइंट है गाइस, इसमें दिया गया है कि किसी प्रश्न पर अगर आपको आपत्ति हो तो क्या करना होगा। तो इसमें जो प्रोसीजर दिया है वो ये है कि जैसे ही आपकी जो प्रश्न पत्र की आंसर की जारी होगी, आपकी ऑनलाइन पे वेबसाइट पे ही आपकी जारी होगी, जो कि आपकी हो चुकी है, इसमें से दोस्तों जो भी क्वेश्चन, जितने भी आपके 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके पेपर 1 पे प्लस पेपर 2, जिस भी क्वेश्चन पे आपको डाउट लग रहा है, उस क्वेश्चन की सशुल्क आप क्या कर सकते हैं, उसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, यानी पर क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एनटीए का आपको बताता हूँ, एनटीए नेट में आपको एक क्वेश्चन जो होता है, पर क्वेश्चन आपको लगभग 200 रुपए उसके लगते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि कितने रुपए यहाँ पे लगेंगे। तो हर क्वेश्चन के आपको लगभग कुछ ना कुछ अमाउंट है, वो आपको पे करना पड़ेगा, और एक निर्धारित फॉर्मेट में सह प्रमाण अपना पक्ष ऑनलाइन मेल पर रखने की प्रक्रिया क्या है निर्धारित है। यानी कि पहला क्वेश्चन तो आपका ये था कि क्या सर हम चैलेंज कर सकते हैं, आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। तो गाइज, बिल्कुल आप आंसर की को चैलेंज करने का हमें मौका मिलेगा। और मैंने यूनिवर्सिटी में बात की है गाइज, तो आपकी जो आंसर की है, वो उसका चैलेंज करने का जो फॉर्मेट है, वो जल्दी ही वेबसाइट पर आपका अभी डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इसकी बिल्कुल भी आप टेंशन मत कीजिए, आप आज या कल में, मतलब कल या आज में, बिल्कुल इसका जो फॉर्मेट है वो आपका अपलोड हो जाएगा। तो आप मेल करके अपना जो पक्ष है, सह प्रमाण अपना पक्ष है, वो आप रख सकते हैं। तो ये नोटिस है, इसको आप भी देख सकते हैं, ये 23 जनवरी का है। यहाँ पे साफ साफ आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन है जो दिया गया है। तो बिल्कुल आप पैनिक ना करें, आपको चैलेंज करने का पूरा मौका दिया जाएगा, पूरा टाइम भी आपको दिया जाएगा। इससे पहले आप एक काम कर सकते हैं गाइस, कि पेपर 1 एंड पेपर 2 के जितने भी क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि जिन्हें हमें ऑब्जेक्ट करना है, जिनके हमें बोनस मार्क्स मिलने चाहिए, तो उसका जो आपका जो सपोर्ट डॉक्यूमेंट है, वो आप सब लोग तैयार रखें। तो आप हमें भी शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है, तो हम भी इसके ऊपर एक बार चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी, होपफुली आपको हेल्प करेगी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। चलिए गाइज, तो आज के लिए इतना ही है। इसके अलावा गाइज, जितने भी हमारे जेआरएफ अड्डा के कोर्सेज हैं, उन सब के ऊपर गाइज अभी आपका 10% ऑफ चल रहा है। RAM10 कोड आप अप्लाई करके हमारे कोर्सेज हैं उनको परचेज कर सकते हैं, जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल करके, जिसमें आपका असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 3 इसका कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। इसके अलावा गाइज, नेट जेआरएफ और नेट सेट के भी जितने भी कोर्सेज हैं, वो सब आपके लिए अवेलेबल है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 ये आपके लिए अवेलेबल है, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं सब लोग, ठीक है। और हिस्ट्री में आपको पढ़ाता हूँ, तो जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, वो आप मेरा कोर्सेज हैं ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी फैकल्टीज भी हैं जो आपको पेपर 2 इंडिविजुअली पढ़ाएंगे। चलिए, तो थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा टेलीग्राम चैनल है नेट GRF विद शिव, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द
फर्दर इन्फॉर्मेशन. बाय बाय एंड टेक केयर. कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग.